वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने बताया क्यों उन्हें शूट करने से लग रहा है डर। क्या रणवीर सिंह ने एनसीबी ऑफिशियल से की है रिक्वेस्ट टू अलाउ हिम टू स्टे विद हिज वाइफ दीपिका पादुकोण ड्यूरिंग हर इंटरोगेशन सेशन। क्यों एक बार फिर विराट कोहली की वजह से ट्रोल हुई अनुष्का शर्मा। दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछ सकती है किस तरह के सवाल। वो जो मास्क है, ऐसा लगता है कि कभी भी आके किस कर देगा आदमी, तो उससे डर लगता है। थोड़ी सी जमीन थी वहाँ पे, चावल उगा लिया। जैसे हम सब अपने अपने घरों में बिग बॉस खेल ही रहे थे, तो मैं भी ये 6 महीने घर से निकला नहीं हूँ। अपने को अपने लिए इतना ज्यादा डर नहीं लगता जितने के अपने बालों के लिए लगता है। सलमान खान इज बैक विद द लेटेस्ट सीजन ऑफ बिग बॉस, लेकिन सलमान खान को किसी चीज से लग रहा है डर, ये सलमान खान ने किया रिवील। डर लग रहा है क्योंकि हालांकि सब यहाँ पर मास्क पहने हैं, पीपीटी किट्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, लेकिन फिर भी वो माइक इस डिस्टेंस के ऊपर आता है, तो उनका वो जो मास्क है, ऐसा लगता है कि कभी भी आके किस कर देगा आदमी, तो उससे डर लगता है। आजकल छींक से, खांसी से और किस से भी बहुत डर लगता है। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से क्रिएट हुई टफ सिचुएशन को भी हंसी मजाक के साथ कैसे फेस करें, ये सलमान खान से बेहतर शायद ही कोई और बता पाए। सलमान खान ने इस लॉकडाउन के बीच कई नई चीजें ट्राई की, जिसमें फार्मिंग भी शामिल है। और बिग बॉस की डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने बताया कि कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस। थोड़ी सी जमीन थी वहाँ पे, चावल उगा लिया और फिर वर्कआउट करता था। फिर गेंदे के फूल की खेती उगाई है, चावल की काफ़ी फसल उगाई है और चावल काफ़ी यहाँ तक उग भी गया है, तो बहुत अच्छा लगता है उस चावल की खेतियों को देखने के लिए। साथ ही सलमान खान ने बताया लॉकडाउन के बीच उन्होंने और क्या क्या ट्राई या एक्सप्लोर किया। देखो, मैं एक्चुअली जैसे हम सब अपने अपने घरों में बिग बॉस खेल ही रहे थे, तो मैं भी ये 6 महीने घर से निकला नहीं हूँ। आज इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली शूटिंग। जो भी थोड़े से सोशल मीडिया के पोस्ट वोस्ट करना था वो मैंने फार्म से किए हैं। फार्म पे इसलिए था क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो जस्ट बी सेफ। और हम लोग चले गए थे लॉकडाउन के पहले, और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सोचा कि 15-20 दिन में खुल जाएगा, और नहीं खुला, तो मैं वहीं पर हूँ। और थैंक गॉड एक्चुअली के ओपन सी जगह है जो कि मेरे वालिद साहब ने करीबन 30 साल पहले ली थी, अब उसका कुछ काम आ रहा है। सो आई एम लकी दैट आई वाज देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सो आई कैन अंडरस्टैंड। वहाँ पर भी परेशानियाँ होती थी कि काम कब शुरू होगा, सो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि काम अच्छा लगता है मुझे करना। अब वो थिएटर्स में जा नहीं पाता पिक्चरें देखने के लिए वैसे भी, तो लॉकडाउन हो या नहीं हो, दैट अगर मैं पिक्चर देखने जाऊं तो लोग पिक्चर छोड़ के मुझे देखने लगते हैं, तो वो तो हॉस्पिटल्स ऑल्सो आई प्रिफर नॉट टू गो देयर बिकॉज पीपल फॉरगेट देयर ओन लव्ड वंस एंड दे टर्न टू मी। सलमान खान हर बार की तरह चाहते हैं कि उनके फैंस बिग बॉस को एंजॉय करें, लेकिन सलमान खान की फैंस से एक खास अपील है। ये एक लेवल में रहे, एक पॉजिटिविटी के साथ रहे, यू नो, एक लैंग्वेज जो कि एक सही लैंग्वेज है उसमें रहे, बस इतनी ही दरख्वास्त है। वैसे सलमान खान पैंडेमिक के दौरान शूट करते वक्त काफी कंसर्न है, स्पेशली अपने घर के एल्डर्स और बच्चों को लेकर, लेकिन सलमान खान का ये भी कहना है कि काम करना भी जरूरी है। मुझे बहुत apprehensions थे बिकॉज there's a newborn in the house, अर्पिता आयुष की एक माई नीस
I have done this, I have done this, my parents and this, Helen auntie, and there are lots of senior citizens, friends, parents. So humko ho gaya to shayad we may be able to fight it. So that is, so basically अपने को अपने लिए इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितने के अपने बालों के लिए लगता है. इसीलिए तो इफ़ यू स्टेइंग अवे यू गो वर्क, बदन आपको हो गया, आपने जाके अपने माँ के पैर छुए या आपने उनको यू नो गले लगा है, किस किया है और आपने उनको दे दिया, सो दे मे सर्वाइव इट. ऑब्वियसली वी वांट एवरीवन टू सर्वाइव इट, बट वो जो एक 15-20 दिन का जो टेंशन होता है ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट ब्रीदिंग वगैरह, यू नो दैट इज वेरी स्कैरी. सो काय को ये पंगा लें. और सलमान खान ने अपने इस डिजिटल इंटरव्यू के आखिर में की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस तरह इस पैंडेमिक ने उनसे उनकी फेवरेट हॉबी यानी उनके काम को छीन लिया और वो फिर से काम करके बहुत खुश हैं. इट हैज बीन ऑल अबाउट वर्क फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी ऑल अबाउट वर्क फॉर मी. सो माय बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन इज दिस दैट लास्ट 6 मंथ्स आई हैव नॉट वर्कड. 30 साल में मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली जितनी कि मुझे एक फोर्सफुली ये छुट्टी लेनी पड़ी. तो जब से मैंने प्यार किया मैंने की, उसके बाद से काम शुरू हुआ. आई रिस्पेक्टेड माई वर्क एंड एवरीवन एल्स आल्सो शुड डू व्हिच दे एक्चुअली डू. ये एक फोर्सफुल हॉलिडे था. तो मेरी छुट्टी क्या होती थी, 25 दिसंबर से लेके 3 जैन तक. अब ये पिछले 10-12 साल से बिग बॉस आ गया तो उसमें ही मुझे 2-3 दिन काम करना पड़ता है. तो बट आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट. सो अब वो पकड़ लो, डू द मैथ के 30 साल में छुट्टियां कितनी, साल की 10 छुट्टियां और ये पकड़ लो पूरा मैथ, 6-7 महीने से काम ही नहीं किया. तो मैं मुझे मेरा एक पास्ट ऐसा लगता है कि परसों मैंने प्यार किया से पहले ये था कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. सो जब से काम करना शुरू किया मुझे वो विजुअल अभी तक याद है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू माय लाइफ. सो आई कीप ऑन आल्सो सेइंग टू पीपल के देयर इज नथिंग बेटर देन गुड ऑनेस्ट वर्क. बी सिंसियर टू योर वर्क, ट्रीट योर वर्क एज अ हॉबी एंड यू विल एंजॉय. क्या रणवीर सिंह NCB ऑफिस में होने वाले दीपिका पादुकोण के इंटेरोगेशन सेशन को करना चाहते हैं ज्वाइन? क्या रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के इंटेरोगेशन सेशन को लेकर हैं परेशान? सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह ने रिपोर्टेडली NCB से रिक्वेस्ट की है टू लेट हिम बी विथ हिज वाइफ दीपिका पादुकोण व्हेन शी इज बीइंग इंटेरोगेटेड एज समटाइम्स शी सफर्स फ्रॉम एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स. जी हाँ, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और उनकी हेल्थ से लेकर इमोशनल वेलबींग को लेकर रणवीर सिंह काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं. हालांकि इन रिपोर्ट्स पर फिलहाल कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है. रिपोर्टेडली जैसे ही दीपिका पादुकोण का नाम अलेजेड बैंड सब्सटेंस नेक्सस ऑफ बॉलीवुड में सामने आया, रणवीर सिंह तुरंत गोवा के लिए रवाना हुए टू बी विद दीपिका पादुकोण. और सोर्सेस के मुताबिक रणवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से पूरे वक्त दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में ही थे. रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण को फोन के थ्रू समन भेजा गया क्योंकि वो मुंबई से बाहर गोवा में अपनी एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही थी. और NCB समन मिलने के बाद दीपिका पादुकोण हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ चार्टर प्लेन से मुंबई आ गई. इस दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ उनके कुछ टीम मेंबर्स भी नजर आए. कहा जा रहा है इन टीम मेंबर्स में उनकी मैनेजर करिश्मा और लीगल टीम के लोग शामिल थे. इस दौरान रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण कुछ टेंस भी नजर आए क्योंकि जनरली इस कपल को जब भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है तो दोनों अक्सर स्माइल करने के साथ ही पापराजी के लिए पोज भी करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. वैसे दीपिका पादुकोण को NCB के सामने 25 सितंबर को पेश होना था, लेकिन रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण ने एक दिन का एग्जेम्पशन लेते हुए अब 26 सितंबर को NCB के सामने पेश होने का फैसला किया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 25th को दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले करिश्मा प्रकाश हेल्थ रीजन की वजह से एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई थी। फॉर द अनइनिशिएटेड, दीपिका पादुकोण को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटेरोगेशन के लिए वेंसडे को समन भेजा था आफ्टर सम चैट्स ऑफ हर अलेजेडली डिस्कसिंग बैन सब्सटेंसेस विद हर मैनेजर करिश्मा प्रकाश केम टू लाइट। विराट कोहली की वजह से अनुष्का शर्मा एक बार फिर आई ट्रोल्स के निशाने पर। विराट कोहली के कैच ड्रॉप करने के बाद इंटरनेट यूजर अनुष्का विराट पर बना रहे हैं मीम्स, तो कुछ इंटरनेट यूजर विरुष्का पर पास कर रहे हैं लूज रिमार्क्स। रिसेंटली एक प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग के ऑनगोइंग सीजन में पंजाब और बेंगलुरु के बीच हुए मैच में क्रिकेटर विराट कोहली ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसके लिए इंटरनेट यूजर्स एक बार फिर अनुष्का शर्मा को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। दरअसल इस मैच में ना सिर्फ विराट कोहली ने कुछ इजी कैचेस ड्रॉप किए बल्कि उनकी टीम को हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद सम पीपल जोक्ड अबाउट हाउ आफ्टर वॉचिंग हिज कैच Anushka Sharma would think twice before handing over their baby to Virat Kohli, while many got nasty on how she is being a distraction in his life. Kuch logon ne to ye tak keh diya that Virat's focus was not in the match due to several Bollywood A-listers' names cropped up for NCB interrogation. Iske alawa match ke dauran Sunil Gavaskar ne commentary ke dauran kaha tha, इन्होंने लॉकडाउन में तो बस अनुष्का की गेंदों की प्रैक्टिस की है, जहां वो अनुष्का विराट के उस वीडियो की बात कर रहे थे जिसमें अनुष्का विराट अपने मुंबई रेजिडेंस में क्रिकेट खेलते नजर आए थे, बट पीपल टुक इट द अदर वे। हालांकि इस बीच अनुष्का विराट के फैंस ट्रोल्स को जवाब देते हुए भी नजर आए फॉर टारगेटिंग विरुष्का। वैसे अनुष्का शर्मा ही नहीं, नेटिजंस ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी टारगेट किया फॉर प्रमोटिंग एन अपकमिंग शॉर्ट फिल्म डूबी। बिग बी ने जब अपने एक पोस्ट में इस फिल्म की तारीफ की तो नेटिजंस ने इस फिल्म के नाम को जोड़ लिया बैन सब्सटेंस के साथ, और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर शुरू हो गई बिग बी की जबरदस्त ट्रोलिंग। और बिग बी के इस पोस्ट को लेकर इंटरनेट यूजर्स ने उनसे पूछे कुछ टफ क्वेश्चंस। एक यूजर ने बिग बी के इस पोस्ट पर लिखा, स्वीट क्लिप्स, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स एज ओल्ड करिश्मा एंड अट्रैक्शंस, द रेवलेशंस आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। वर्क फ्रंट पर फिलहाल बिग बी क्विज रियलिटी शो केबीसी के लेटेस्ट सीजन की शूटिंग में बिजी हैं, और इस साल करंट सिचुएशन को देखते हुए कहा जा रहा है कि बिग बी सोशल डिस्टेंसिंग एंड नो हैंडशेक रूल को मेंटेन करते हुए एल्बो बम्प के साथ शो में अपने कंटेस्टेंट्स को वेलकम करेंगे। क्या दीपिका पादुकोण थी उस व्हाट्सएप चैट ग्रुप की एडमिन जहां बैंड सब्सटेंस को लेकर होते थे डिस्कशन? क्या दीपिका पादुकोण इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट पर करिश्मा प्रकाश से डिस्कस करती थी बैंड सब्सटेंस के बारे में? वेल, टाइम्स नाउ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये रिवील हुआ है कि दीपिका पादुकोण थी उस व्हाट्सएप चैट ग्रुप की एडमिन जहाँ करिश्मा प्रकाश के साथ उनकी होती थी बैंड सब्सटेंस को लेकर बात। वहीं फ्राइडे आफ्टरनून को रकुल प्रीत सिंह करीब 3 से 4 घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ऑफिस से अपने घर के लिए निकल गईं।
रिपोर्टेडली रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी से कहा है कि उन्होंने रिया से बैंड सब्सटेंस को लेकर बात जरूर की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बैंड सब्सटेंस को कंज्यूम नहीं किया, ना ही किसी भी पेडलर से उनका कोई भी कनेक्शन है। साथ ही रकुलप्रीत सिंह ने इस मामले में खुद को पूरी तरह से डिफेंड किया है। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण को लेकर हो रही डेवलपमेंट की, तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया सहा ने ही दीपिका पादुकोण और मैनेजर करिश्मा प्रकाश के व्हाट्सएप चैट को एनसीबी को दिया है और इसी के बेस पर दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन भेजा है। रिपोर्टेडली जया सहा के एलिगेशन काफी सीरियस है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग जया सहा ने एनसीबी से कहा है कि करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण के लिए बैंड सब्सटेंस प्रोक्योर करती थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिपोर्टेडली एनसीबी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या जया सहा इन सेलेब्स के नाम इसलिए रिवील कर रही है ताकि वो खुद को और अपनी कंपनी के नाम को बचा पाए। वैसे एनसीबी की जांच करण जौहर की टीम की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टेडली करण जौहर की कंपनी में काम करने वाले क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से एनसीबी ने पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि एनसीबी को धर्मा प्रोडक्शन के एम्प्लॉय क्षितिज रवि प्रसाद के घर से बैंड सब्सटेंस मिला है और इसीलिए वो आज एनसीबी के सामने पेश हुए थे। एनसीबी की जांच में जिस तरह हर पल नए खुलासे हो रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ बड़े सेलिब्रिटीज को अब टफ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ सकते हैं। शो सलमान खान ने करवाया इंट्रोड्यूस रियलिटी शो बिग बॉस के पहले कंटेस्टेंट से। सलमान खान ने फैंस को दिखाए बिग बॉस हाउस के ग्लिम्पसेस। सलमान खान ने दिखाया कैसे इस बार बिग बॉस के घर में होंगी वो सारी चीजें जो सभी ने इस लॉकडाउन के दौरान की हैं मिस, लाइक विजिटिंग अ स्पा और गोइंग टू अ मूवी थिएटर। अब घर का खाना खा के अब बाहर का खाना खाने के लिए तरस गए होंगे ना। जिनको स्पा जाने की आदत है, आपने स्पा जाने का मजा कब लिया था लास्ट? पॉपकॉर्न समोसा खाते खाते थिएटर में फिल्म कब देखी थी आपने? फरवरी मार्च में। और पिछली बार आपने दिल खोलकर शॉपिंग कब की थी, याद नहीं ना? वैसे इस साल बिग बॉस में एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है और खुद सलमान खान को इस बड़े ट्विस्ट के बारे में नहीं पता। ऐसे में शो के एक्स कंटेस्टेंट्स सिद्धार्थ शुक्ला, हीना खान और गौहर खान से सलमान खान ने इस सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश की। बिग बॉस 14 में अब आप लोगों का क्या काम है? हमारा बहुत सारा काम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। बट काम क्या है? चलिए आप बताइए हमें। अभी आप प्रोमो में आए हो, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हो, अब क्या वापस से घर के अंदर भी जाओगी? आएंगे या नहीं आएंगे इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सबर का फल जरूर मीठा होगा। एंड एनीवे इट्स पे बैक टाइम, क्योंकि आज तक आपने हमें हमेशा सस्पेंस में रखा है। सो नाउ इट्स योर टर्न। नॉर्मली मैं वीकेंड का वार करता हूँ, लेकिन कमाल हो गया कि आप लोग आज मुझ पर सस्पेंस का वार कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस किसी और शहर में होम क्वारंटीन हो गए? Well, ये सीक्रेट तो फिलहाल एक राज ही है, लेकिन अपने शो की डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने एक कंटेस्टेंट का नाम किया रिवील। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू मीट अ कंटेस्टेंट हु यू गोइंग टू वॉच इन द बिग बॉस हाउस। ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है। इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज भी किए हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी।
So the sadasya that we are about to reveal is जान कुमार शानू. बहुत अच्छे. सलमान खान ने जान कुमार सानू को इस इंट्रोडक्शन की शुरुआत में ही दिया बड़ा झटका, ये रिवील करते हुए कि उन्हें शो में सर्वाइव करने में होगी दिक्कत. यार जान, मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. लेकिन साथ ही सलमान खान ने जान कुमार सानू को कुछ टिप्स भी दिए ताकि वो खुद को इस शो के लिए कर पाए प्रिपेयर. और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो, थोड़े से टास्क वास करना शुरू कर दो घर के अंदर ही, बिस्तर के नीचे घुस जाओ, चार दिन तक निकलो नहीं. ओके सर. और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े. जी सर. बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो एट होम, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं अब ऑलमोस्ट, मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. That's just a pair of basic track pants and t-shirts or pajamas and shirts. And apart from that, during my webinars and sessions like these, I've been wearing a classic black top or a black shirt. And I've just kept about two or three shirts and tops that I keep rotating and using with different kind of accessories to make it look different. So I think it's been about minimal lot of clothes and using them in the best possible way, and essentially about comfort. And comfort has been the most important criteria for whatever I've been wearing through the lockdown. No, I would never wish for a trend to go and never come back, because that's what adds to the spice in our clothing. And I think trends are something that each and every individual has a very different perspective of. I feel trends are here to stay, and whatever trend it is, there are different people who like different things and would like to use it in a different way. And considering that we are a country and a nation that is becoming so fashion conscious, and understanding what a style statement is about, and understanding the ethics of clothing in terms of what should be worn where and how, we do a lot of trial and error in our clothes, and we would like to create a style statement that is individualistic. Thus, we need all the trends that are there, and therefore I don't think any trend should be going away for good and never coming back. You know, we look at an outfit in the magazine and aspire to wear it or buy it. However, I think what needs to be done is to look at it, see and retrospect on whether it will look good on you or not. Try that outfit, see how it looks on you, and whether it is something that you can wear comfortably, it adapts to your lifestyle, and would you be comfortable wearing it even after 2 years? So that is something that we need to look at, and also the fact that can that be worn in different ways for you. This is something that we would do for a working wardrobe, and every working wardrobe needs pieces of garments or needs outfits that can be reused in different ways or coordinated in different ways. Therefore, I think that's the one thing we need to not create a mistake on when we are buying. And definitely mistakes happen when you just do impulse buying.